दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार है। कभी किसी साधु संत ऋषि मुनि आचार्य किसी के बारे में हम समाजवादियों ने कभी टिप्पणी नहीं की होगी। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं, संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। कभी किसी साधु संत ऋषि मुनि आचार्य किसी के बारे में हम समाजवादियों ने कभी टिप्पणी नहीं की होगी। हाँ, हम लोगों ने टिप्पणी जो की है वो मठाधीश मुखंडी जी पे टिप्पणी की, अगर की होगी तो, वरना हम लोग कभी किसी पे टिप्पणी नहीं करते। हम सबको पूजने मानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर मठाधीश में ही अगर किसी को शिकायत है तो बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी तो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें क्या खराब बात है? इसमें भी शिकायत है क्या?